वॉकी-टॉकी पे बोलो लगा के बात करें। सेल 11 की तरफ से पाइपलाइन डालने का काम पूरा होने के करीब है, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन भी राहत कर्मी सुरंग में वहां तक नहीं पहुंच सके जहां मजदूर फंसे हैं। वजह साफ है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से भरा है, कदम कदम पर लोहे के सरिये निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम कई बार रोकना पड़ा, आगे बढ़कर पीछे हटना पड़ा और कुछ घंटों का इंतजार दिनों में तब्दील होता नजर आ रहा है। दुनिया भर में सुरंग बनाने के एक्सपर्ट माने जाने वाले आर्नल डिक्स के मुताबिक अब ऑगर मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता और जोखिम बहुत ज्यादा है। I've always promised that they'd be home by Christmas. If you remember right from the beginning, I've never been. That's a long time, Arnold. It is a long time. Yeah. And they're safe and they're well. Yeah. And if we rush, we can cause another problem in there. ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले आर्नल्ड डिक्स ने यह भी साफ कर दिया कि ऑगर मशीन के सामने बहुत ज्यादा रुकावटें हैं और इन रुकावटों से ऑगर मशीन निपट नहीं सकती, टूट चुकी है और अब ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल आगे नहीं होगा और ना ही कोई नई ऑगर मशीन मंगाई जाएगी। Said that 41 men are coming home safely and we're not going to hurt anybody in the process. The drilling, the augering has stopped. Yeah. It's too much for the auger. Okay. It's like our auger is not going to do anything more. सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने का ये सफर चाहे जितना भी मुश्किल हो, चाहे जितने रास्ते बदलने पड़े, लेकिन बचाव दल की नजर सिर्फ मंजिल पर है। उनका लक्ष्य मुसीबतों के चक्रव्यूह को भेद कर मजदूरों को सुरक्षित निकालना है। यही वजह है कुछ रोज पहले जब मशीन के कंपन की वजह से सुरंग में मलबा गिरने की खबर आई, तब से ही मजदूरों को निकालने के लिए दूसरे प्लान पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू टीम भली भांति जानती है कि सुरंग में हैवी मशीन काम कर रही है जिसकी वजह से किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार रखा है। प्लान बी के तहत एक नहीं बल्कि दो वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग में ऊपर से दो छेद करने की तैयारी है। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग 90 मीटर की होगी जबकि दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर करने का प्लान बनाया गया है। इसके अलावा प्लान सी के तहत टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की तरफ से भी खुदाई की जा रही है। इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए 3 ब्लास्ट तक किए जा चुके हैं। मतलब अगर सेल 11 की तरफ से किसी भी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग और डंडाल गांव की तरफ से मजदूरों को निकालने का काम तेज कर दिया जाएगा। हालांकि उत्तर काशी के सेल 11 टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए प्लान बी भी पूरी तरह से तैयार है। प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जिस सड़क को बनाया गया उस पर मशीन भेज दी गई है, यानी अगर सुरंग में रेस्क्यू के दौरान प्लान ए में कोई भी दिक्कत पेश आती है तो जल्द ही प्लान बी शुरू कर दिया जाएगा। को जो कहा गया है कि जो मशीनें ऊपर चढ़नी है उसमें मदद करे ताकि मशीन ऊपर जा पाए, क्या राइट तैयार है ऊपर? बिल्कुल तैयार है, जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। हालांकि प्लान बी के तहत सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से छेद करके मजदूरों तक पाइपलाइन बिछाने के काम में 10 से 15 दिन का वक्त और लग सकता है, जबकि प्लान सी में टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की ओर से पहाड़ तोड़कर मजदूरों तक पहुंचने में 35 से 40 दिन का वक्त भी लग सकता है। वैसे प्लान बी और प्लान सी पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसको उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब प्लान ए यानी सेल 11 की तरफ से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन किसी भी वजह से रोकना पड़े या फिर इसमें ज्यादा मुश्किलें आ रही हों। अभी तक सेल 11 की तरफ से ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन बार बार आने वाली बाधा और ऑपरेशन में होने वाली देरी की वजह से बचाव दल अब दूसरे विकल्प की तरफ भी देखने लगे हैं और उन पर काम कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सेल 11 की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। बचाव दल को पूरी उम्मीद है कि सेल 11 की तरफ से मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सेल 11 की तरफ से ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के सामने कई बार सरिया और स्टील के पाइप आ रहे थे जिसकी वजह से मलबे में आगे क्या है इसका पता लगाने के लिए सुरंग में रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का भी इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे ये पता चलता है कि जमीन के अंदर क्या छिपा है।
ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसी चीज या ढांचे को छुए बगैर ही उसके नीचे मौजूद धातु, पाइप या दूसरी चीजों की पहचान की जा सकती है। इसकी मदद से 8 से 10 मीटर की दूरी तक चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें जमीन के नीचे छिपी चीजों का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जमीन या फिर दीवार के आर पार देखा जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल विशेषज्ञों के मुताबिक जितने दिन बीतते जाएंगे मुश्किलें उतनी बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां पहाड़ की मिट्टी बेहद भुरभुरी है और डर ये है कि भारी भरकम मशीनों के चलने से होने वाली कंपन की वजह से कहीं सुरंग में और मलबा न गिर जाए। इसलिए बचाव दल ने देर ना करते हुए हर उस विकल्प पर काम तेज कर दिया है जिसके जरिए मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके।